हाय फ्रेंड्स, अभी पीडियालॉग की तरफ से आज हम निपुण सक्सेना जी की कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइडलाइंस ऑफ निपुण सक्सेना 11 दिसंबर 2018 SC ऑन आइडेंटिटी ऑफ एडल्ट विक्टिम्स ऑफ रेप एंड चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आज हम निपुण सक्सेना जी की कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे ऑन आइडेंटिटी ऑफ एडल्ट विक्टिम्स ऑफ रेप एंड चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ एंड इन व्हाट मैनर, कैसे और किस तरह से एक एडल्ट विक्टिम जिसका रेप हुआ है या चाइल्ड विक्टिम हु आर सेक्सुअल अब्यूज, उनको उनकी आइडेंटिटी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। पहले तो उनका रेप होता है और फिर उससे मीडिया क्वेश्चन पूछने आ जाती है और फिर उसको कोर्ट में घसीटा जाता है। मींस एक रेप विक्टिम या चिल्ड्रन हु आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, उनको डबल विक्टिमाइजेशन से कैसे बचाया जा सकता है। इन सब बातों को लेकर निपुण सक्सेना जी ने कुछ गाइडलाइंस दी है। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज गाइडलाइंस। नो पर्सन कैन प्रिंट और पब्लिश द नेम ऑफ द विक्टिम इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया एटसेट्रा। मींस कोई भी पर्सन विक्टिम का नेम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सोशल मीडिया में ना तो प्रिंट कर सकता है और ना ही पब्लिश कर सकता है। कोई भी समाचार संस्थान रेप विक्टिम की पहचान, फोटो, घर या पड़ोस की जानकारी का खुलासा नहीं करेगा। एंड नॉट इवन इन अ रिमोट मैनर, मींस किसी दूरस्थ तरीके से भी किसी फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकता जिससे विक्टिम को आइडेंटिफाइड, मींस पहचाना जा सके, जो उसके आइडेंटिफाई को लार्ज स्केल पर पब्लिक तक पहुँचाए। किसी भी रेप विक्टिम या चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, कोई भी समाचार संस्थान, मीडिया या सोशल नेटवर्किंग अगर किसी भी रेप विक्टिम या चिल्ड्रन हु आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज उनकी आइडेंटिटी को प्रिंट और पब्लिश करता है तो उससे उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी, जिससे कि वह पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, उसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा बिहेव करती है। ठीक है, आजकल लोग रेप विक्टिम्स को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रेप विक्टिम्स को ही गलत ठहराते हैं, उनको तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो जो रेप विक्टिम या चिल्ड्रन हुआ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज वो पहले से ही इतनी मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, उनको लोगों की बातें बहुत परेशान करती हैं। और अगर वो लोग किसी स्कूल, ऑफिस या कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर लोगों की बातें भी उनको इतना परेशान करती हैं कि ना तो वो अपनी स्टडी पर फोकस कर पाते हैं, ना ही वो अपने फ्यूचर को ग्रो अप कर पाते हैं। कई बार तो इसका रिजल्ट ये होता है कि रेप विक्टिम या तो डिप्रेशन में आ जाता है या फिर वो सुसाइड कर लेता है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी रेप विक्टिम या चाइल्ड हुआ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, तो क्या हमारा कानून उस पर्सन को कोई पनिशमेंट या फाइन करता है? शायद ये बात बहुत से लोग नहीं जानते होंगे या जानकर भी इस बात को हल्के में लेते होंगे कि किसी रेप विक्टिम का प्रिंट या सोशल मीडिया में नाम लेना या पब्लिक डोमेन में नाम लेना या उसकी पहचान को डिस्क्लोज करने पर उस पर्सन को पनिशमेंट और फाइन भी करवा सकता है। देखिए, नाम के साथ साथ आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। इन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मान लीजिए किसी रेप विक्टिम ने स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया और नाम ना लेकर बातों को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जिससे कि सर्च करके उस रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए उस रेप विक्टिम के परिवार वालों की फोटोज या फिर वीडियोस पब्लिक डोमेन में लाए जा रहे हैं जिससे कि पता चल जाए कि रेप विक्टिम कौन है, किसकी बेटी है। किसी भी रेप विक्टिम या चिल्ड्रन हुआ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज उनके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने पर पनिशमेंट और फाइन का प्रावधान क्यों है? फ्रेंड्स, अगर हम ड्रीम्स की दुनिया से थोड़ा ज़मीन पर उतरकर सोचें तो आपको यह जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि बेशक लोग कितने भी सिंपैथी व्यक्त करें उस रेप विक्टिम और उसके फैमिली के लिए, बट ज़मीनी हकीकत यही है कि इन दोनों को ही, रेप विक्टिम को भी और उसकी फैमिली को भी, सोसाइटी के द्वारा हमेशा तिरस्कार की भावना से ही देखा जाता है। इसलिए उनकी आइडेंटिटी को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन उठता है,
वेयर द विक्टिम इज डेड और ऑफ अनसाउंड माइंड मीन्स जहाँ विक्टिम डेड हो या अस्वस्थ मन से हो, क्या उन केसेस में विक्टिम का नेम या उसकी पहचान को डिस्क्लोज्ड उसके रिलेटिव्स के नेक्स्ट स्टेटमेंट और अथॉरिटी के अंडर किया जाना चाहिए? इज देयर एनी एक्सेप्शन? आमतौर पर नो। ऐसे केसेस में जहां विक्टिम डेड हो या अनसाउंड माइंड हो, वहां विक्टिम का नेम या उसकी आइडेंटिटी का खुलासा रिलेटिव्स के नेक्स्ट स्टेटमेंट या ऑथराइजेशन के अंडर भी नहीं किया जाना चाहिए। इन केसेस वेयर द विक्टिम इज डेड और ऑफ अनसाउंड माइंड, फिर किसके बिहाफ पर विक्टिम्स को मीडिया में पब्लिश करते हैं? तभी तो निर्भया या गुड़िया बोलते हैं, नाम नहीं लेते, इवन जजमेंट पर भी नाम नहीं लिया जाता, जजेस पर भी नाम ना लेने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर विक्टिम की पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने वाले कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हो तो? अगर विक्टिम की पहचान को डिस्क्लोज करने वाले कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं तो एक सक्षम अथॉरिटी ही, जो प्रेजेंट में सेशन जज हो, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन इज सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376G, 376GA, 376GB या IPC के 376E के तहत अपराधों से रिलेटेड FIR और पॉक्सो के अंडर अपराध शेल नॉट बी पुट इन द पब्लिक डोमेन। यहाँ फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि यदि विक्टिम सेक्शन 372 CRPC के अंडर अपील फाइल करता है तो क्या उसे अपनी आइडेंटिटी बताना नेसेसरी है? अपील फाइल करता है मतलब अपील इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। यह एक राइट होता है जिसमें अपने पर्टिकुलर केस को लोअर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट तक न्यायालयों के अधिनियम के अकॉर्डिंग ले जाया जा सकता है, अगर हम लोअर कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो। और यदि कोई विक्टिम सेक्शन 372 CRPC के अंडर अपील फाइल करता है तो विक्टिम के लिए यह नेसेसरी नहीं है कि वह अपनी आइडेंटिटी बताए। उस अपील को कानून एक प्रॉपर एंड मैनरली वे से हैंडल करेगा। What are the duties of police in all this? इन सब में पुलिस ऑफिसर्स की यह ड्यूटी रहती है कि वह उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जिसमें विक्टिम की नेम या उसकी आइडेंटिटी का खुलासा किया गया हो, उनको संभाल कर रखना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो उन डॉक्यूमेंट्स को सील कवर में रखा जाए और उन डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करें जिसमें विक्टिम का नेम सभी रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी जांच पब्लिक डोमेन में की जाएगी। एंड व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ अथॉरिटीज? सभी अथॉरिटीज की यह ड्यूटी है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोर्ट द्वारा विक्टिम के नेम को सीक्रेट रखे और नाम रखने के लिए भी बाउंडेशन हो। विक्टिम नेम या उसकी आइडेंटिटी को सिर्फ रिपोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोर्ट को एक सील्ड कवर में भेजा जाए। इसके अलावा किसी भी मैनर में विक्टिम का नेम या उसकी पहचान को डिस्क्लोज ना करें। अब हम आइडेंटिटी ऑफ अ डेड विक्टिम और ऑफ अ विक्टिम ऑफ अनसाउंड माइंड की एक और गाइडलाइन को डिस्कस करेंगे। IPC की धारा 228A-2C के अंडर डेड विक्टिम या विक्टिम ऑफ अनसाउंड माइंड की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने वाले एप्लीकेशन को आगे ऑथोराइज करने के लिए गवर्नमेंट को केवल तब तक कंसर्न सेशन जजेस के समक्ष रखना चाहिए जब तक कि गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 228A-1C के अंडर कार्य नहीं करती। साथ ही ऐसे सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस की पहचान के लिए एज पर आवर डायरेक्शंस एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। छोटे और नाबालिग बच्चों के दुष्कर्म के केसेस और गलत कामों में उनको पुश करने के बढ़ते हुए केसेस को देख पॉक्सो एक्ट बनाया गया। निपुण सक्सेना जी ने पॉक्सो एक्ट के अंडर भी एक गाइडलाइन दी है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। पॉक्सो एक्ट के अंडर नाबालिग विक्टिम्स के केसेस में उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज सिर्फ स्पेशल कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है, वो भी तब जब उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना बच्चों के हित में हो। Now we are going to discuss last and most important guideline, which is on one-stop center. Firstly, I am going to tell you what is one-stop center.
वन स्टॉप सेंटर इज अ गवर्नमेंट स्कीम जो वुमेन्स के लिए बनाई गई है। यह स्कीम सखी के नाम से जानी जाती है। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1 अप्रैल 2015। It is a scheme to support all women, including girls below 18 years of age, affected by violence, irrespective of caste, class, religion, sexual orientation, or marital status, both in private or public places, in phased manner. Which services are provided by One Stop Center to women? One Stop Center provides many services to women under one roof, like emergency services, medical assistance, assistance to women in lodging the FIR, psycho, social support and counseling, legal aid and counseling, shelter and video conferencing facility. Who is the nodal ministry of this One Stop Center scheme? Ministry of Women and Child Development is the nodal ministry of this scheme. How will this scheme will be funded? This scheme will be funded through Nirbhaya Fund and 100% financial assistance by central government. Last and most important guideline of Nipun Saxena is on One Stop Center. कि सभी states, केंद्र शासित प्रदेशों से request है कि वह आज से within 1 year हर state में at least एक One Stop Center का setup करे. Thank you.